बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद आई, खुशियां लाई, मेरे तमाम बिजनेस कम्युनिटी के ताजरों को ईद मुबारक। और मैं समझता हूं कि इस बार ईद हमें सादगी से मनानी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे हालात हैं आपके सामने हैं, इस कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है, तकरीबन कोई 1000 के करीब हमारे पाकिस्तानी प्यारे इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। तो हमने इस साल ईद को सादगी के साथ मनाना है और अपने साथ अपने अजीज और अकारब को भी शामिल करना है और अपने साथ अपने मुलाजमीन और हमारे जानने वाले जो गरीब गुरबा है उनका भी ख्याल करना है। पाकिस्तान इंशाल्लाह इस वबा से निकल जाएगा और इस वबा से निपट जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मार्केट्स भी पूरी खुलेंगी, बिजनेस भी सारे खुलेंगे। हम सब ने मिलके कोरोना से लड़ना है और कोरोना से मैं ये नहीं कहता कि डरना नहीं, डरना है, हमने डर के काम करना ताकि SOP के मुताबिक काम हो सके। तो हमने कोरोना से डरना है लेकिन लड़ना है और उसके अलावा हमने बचना है और अपने तमाम भाई को भी बचाना है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट्स खुलवाई और मैं समझता हूँ कि ये हमने लाहौर चैंबर ने इंशाल्लाह इसको अपना फ्यूचर में भी अपना इसको मोटो में रखना है कि हमने सब लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं और किसी महकमे के साथ भी, पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ, गवर्नमेंट मशीनरी के साथ इंशाल्लाह हम अपने ताजर भाइयों की जो कॉज है उसको सबसे पहले वलीन तरजीह देंगे और इंशाल्लाह उनके लिए काम करें। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी बरकत हाथ में है वो किसी में नहीं, मेरी तमाम अपने रहनुमाओं से, ताजा रहनुमाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इकट्ठे रहें, मिलके अपना मसाइल को लेके चले, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब भाई मेरी बात को समझेंगे भी और इसके ऊपर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।